बहुत ही खूबसूरत शब्द लिखे थे, दुनिया में अगर कुछ छोड़ना है ना तो दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दीजिए। इससे दो चीज होगा। पहला चीज तो ये होगा कि आप किसी के आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचा नहीं सकते, और दूसरा ये होगा जिस दिन आप ये काम करना छोड़ देंगे ना उस दिन आपको भी ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा टेंशन इंसान को तब होता है जब इंसान दूसरों की बुराई करने के बारे में सोचता है। क्लास को स्टार्ट करूँगा उसके पहले एक बात आप सभी से जानना चाहूँगा। जैसे आप सभी को पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया क्लास क्यों बंद है, क्लास कब से चलेगा सभी जगह। एक बात मैं आप सभी से पहले डिस्कस करूंगा, पहले आप सभी ये बताना कि देखो मैथ के तो मैंने सारे चैप्टर ऑलमोस्ट आप सभी को करवाए हैं। जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है किसी भी छात्र को अच्छे से पढ़ने के बाद भी, वो प्रॉब्लम होता है तीन जगह पर, मेंसुरेशन में ज्योमेट्री बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री, या फिर आपका अलजेब्रा। तो आप सभी एक बार कमेंट कर ये बताना कि अभी 6 से 7 दिन में पूरे बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक पानी के तरह क्लियर, अगर आपको उसका 0 भी नहीं आता है ना तो आप बोलेंगे 6 दिन देखने के बाद कि भैया एक एक चीज क्लियर हो गया है इतने सालों से जो समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बार आप सभी कमेंट करना कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो चाहिए या फिर अलजेब्रा के, दोनों में से जो कमेंट्स ज्यादा रहेगा वो वीडियो जो है मैं आपको लाइन बाय लाइन जो है वो देता रहूंगा, और कब से आएगा मैं आपको कल ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन एक बार आप सभी कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आज कवर करेंगे हम सभी 4, 5, 6 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। और एक बात भैया, 7 का नहीं 7 आज है, कल सुबह में 7:30 बजे आप सभी को 7 और 8 अप्रैल का करेंट अफेयर आप सभी को मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कल से डेली सुबह में 4:30 बजे ही क्लास का टाइमिंग जो था उस टाइमिंग पर आपको ये वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, टाटा पावर ज्वाइंट वेंचर ने किस देश में 178 मेगावाट की जो आपका प्रोजेक्ट है ना उस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, 178 मेगावाट की सुआक्वी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत की है, कहां पर? तो जॉर्जिया में, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। किसने स्टार्ट किया है? टाटा पावर ज्वाइंट वेंचर ने। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा, का अध्ययन करने के लिए एक नए सनराइज मिशन की घोषणा की है। मिशन का नाम याद रखना क्या है? सनराइज मिशन। बहुत, देखो दो चीज आप यहां से ना, तीन चीज याद रखना। पहला चीज याद रखना किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, तो वो अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? तो वो है आपका नासा, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो पहले आपको नासा याद रखना है। इसने क्या किया है? एक ज्वाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म का अध्ययन करने के लिए एक नए सनराइज मिशन, मिशन का नाम क्या है? सनराइज मिशन का जो है उसकी घोषणा की है, ठीक है। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब बात करते हैं नासा को लेकर, नासा के हेड कौन है? तो जिम ब्रंडस्टाइन। और नासा का स्थापना गठन कब हुआ था? एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में काफी बार आप सभी से एग्जाम में बहुत बार आ रहा है गठन को लेकर, एस्टेब्लिशमेंट ईयर को लेकर। तो नासा का गठन कब हुआ था, स्थापना? तो वो हुआ था आपका 29 जुलाई 1958 को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने ग्राहकों को अपने घर से बैंकिंग सुविधाएं शुरू करने में मदद करने के लिए WhatsApp पर बैंकिंग सुविधाएं जो है वो शुरू की है? यानी कहने का मतलब है, अगर मान लो आपको कोई भी बैंकिंग सर्विस चाहिए तो आप कहां पर जाते हैं? नो डाउट आप बैंक में जाते हो, लेकिन एक ऐसा बैंक है जो अपना हर एक सर्विस WhatsApp के माध्यम से अपने कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो WhatsApp के जरिए भैया बैंकिंग सर्विस ऐसा कौन सा बैंक कर रहा है? तो वो बैंक है आपका ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर आपका डी। और ICICI बैंक के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर मुंबई, और टैगलाइन हम है ना सॉरी
अगला प्रश्न हमारे सामने है IBA। IBA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो 3 महीने तक PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जितने भी अकाउंट्स खोले गए थे इस स्कीम के, इस योजना के तहत, उस स्कीम के अंदर जितने भी महिलाओं के थे ना खाते, उसके अंदर कितने रुपए जो है वो 3 महीने तक ट्रांसफर किए जाएंगे। और ये निर्देश दिया गया है तो 500 रुपए जो है वो दिए जाएंगे हर एक महीने जिन्होंने भी प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट ओपन करवाया था, उसमें भी महिलाओं को। और पहला पेमेंट आ चुका है, बहुत जगह मैंने खुद देखा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस कंपनी ने मौसम एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है डार्क स्काई का अधिग्रहण किया है और जून 2020 में अपने एंड्रॉइड संस्करण को बंद कर देगा, कौन सी कंपनी है भाई? तो वो है आपका एप्पल, ऑप्शन नंबर आपका सी। और एप्पल के सीईओ टिम कुक कितने लाख गरीब को आंध्र प्रदेश में नौरातानलू पेंडालंडंग क्रिकी इल्लू सभी गरीब के लिए घर कार्यक्रम के तहत मिलेगा? अब ये जो स्कीम है ना, जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्कीम का नाम क्या है? नौरातानलू पेडालन रिकी पेडालन पेल पेडालन डारकी इल्लू, अजीब सा नाम है। इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के अंदर जितने भी गरीब है ना आंध्र प्रदेश में, उनको घर दिए जाएंगे। तो कितने गरीब को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है? तो 25 लाख, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 25 लाख, ठीक है। और एक बात, आंध्र प्रदेश का राजधानी तो सभी को पता है हैदराबाद होता है, राज्यपाल कौन है? बिश्वभूषण हरिश्चंद। और मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी को पता है YS जगन मोहन रेड्डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सुंदरम होम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है और ये पद दिया गया है किसको? डी लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र के कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, यह किस शहर में आयोजित होने वाला था? तो इसका आयोजन होने वाला था नवंबर के महीने में ग्लासगो में। और यह कहां पड़ता है भैया? तो यह पड़ता है आपका स्कॉटलैंड में। अब जब भी नया शेड्यूल आएगा और कहां पर होगा इसका शिखर सम्मेलन, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म दे दूंगा। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कहां पर होगा और कब तक होगा, अभी बस इतना इंफॉर्मेशन है कि यह स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निसान, सभी ने नाम सुना होगा, गाड़ी भी आती है 4-व्हीलर निसान की। निसान ने अफ्रीकी मध्य पूर्व और भारत के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो निसान कंपनी है ना, उसने अफ्रीका मध्य पूर्व और भारत के लिए अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है उनका नाम बताना है। और उनका नाम है गिलोम कार्टियर, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारतीय बुनियादी ढांचे क्षेत्र में कितनी राशि निवेश करने का संकल्प की लिया है? अब मैं बता दूं कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डेवलप करने के लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कितना इन्वेस्ट करेगी, कितना निवेश करेगी? तो $100 मिलियन, ऑप्शन नंबर आपका ए। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कमेंट करके ये बताना है ना कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, इसका अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन बोला राष्ट्रपति
प्रेसिडेंट कौन है एशियाई विकास बैंक का, और इसका गठन किस साल में हुआ था। ये तीन चीज आपको एशियाई विकास बैंक के बारे में कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने भारत को एलपीजी के निरंतर आपूर्ति का आश्वासन दिया है कि यह सप्लाई जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा एलपीजी का। किसने जो है वो विश्वास दिलाया है भारत को, तो यह विश्वास दिलाया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा, यानी सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब का कैपिटल क्या है, तो आप सभी को पता है रियाद, मुद्रा तो आप बोलेंगे सऊदी रियाल। और वहां के जो राजा है, जो राजा है, जो हेड है उस कंट्री के, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद। नाम याद रखिएगा। हालांकि सुबह और मैं देख रहा हूं बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि भैया रात को 11:30 वाले क्लास को हम सभी बहुत मिस कर रहे हैं। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं, और मैं आप सभी को इतना बोल सकता हूं इस हफ्ते में 2 से 3 दिन का टाइम दो, रात को 11:30 वाला क्लास भी जो है ना वो आपका बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बहु रोगी विंडलेटर विकसित कर रहा है। अब यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया जो डॉक्टर जितने भी कोरोना वायरस के मरीज है ना, डॉक्टर जो कॉस्ट्यूम पहनकर इलाज कर रहे हैं, जो किट्स वगैरह, वो कौन बना रहा है, तो वो बना रहा है आपका डीआरडीओ। मैंने बताया था यहां पर, और एक चीज निकल कर आया है कि जो वेंटिलेटर है ना वो भी जो है वो डीआरडीओ बनाएगा। बहुत अच्छी बात है, खास करकर हमारे देश के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मनरेगा मजदूरी की प्रति दिन कितना बढ़ाया गया है, यानी आय, मनरेगा का जो आय था ना प्रतिदिन का, वो कितना बढ़ा दिया गया है। आप सभी को बता दूं, पहले जो मिलता था वो 182 रुपया मिलता था, लेकिन इसको बढ़ाकर अभी कर दिया गया है 202 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला, अच्छा एक क्वेश्चन आप एक बार और बताना, देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं आज का, मनरेगा का ना फुल फॉर्म आप सभी बताना एक बार, क्योंकि एग्जाम में काफी बार इसमें एन का मतलब, ई का मतलब आप सभी से पूछा गया है, तो मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को इसका फुल फॉर्म के बारे में पता है। तो आप सभी का दूसरा वर्क ये है, आप सभी को कमेंट्स कर इसके फुल फॉर्म के बारे में भी बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जॉइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म नामक अध्ययन के लिए नासा का मिशन क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया है स्टार्टिंग क्वेश्चन में ही, कि उस मिशन का नाम क्या है, सनराइज मिशन। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बहुत देखो, हालांकि आप COVID-19 के वजह से बहुत कुछ जो है वो रिशेड्यूल किया जा रहा है, बहुत चीज हर एक चीज बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप को जो है वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है 2022 के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के अनुसार जो घर में बनाए हुए मास्क है ना वो कितने प्रतिशत प्रभावी हैं, आपको बताना है। आपने देखा होगा अभी सरकार के पास, बोल सकते हो अभी हमारे खुद के डॉक्टर के पास हर एक चीज उपलब्ध नहीं है, और इस पर मीडिया भी सवाल नहीं उठा रही है कि क्यों उपलब्ध नहीं है, कि कौन जवाब देगा। हर बजट में हेल्थ केयर के ऊपर 10% बजट कम कर दिया जाता है, जबकि आप सभी को पता है हेल्थ केयर में इंडिया कंडीशन बहुत खराब है, फिर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग प्रति बजट में 10% कम कर देते हैं। लेकिन यहां पर आपको बताना है कि घर में जो बनाया हुआ मास्क जो बना रहे हैं ना, होममेड मास्क, वो कितना प्रतिशत जो है प्रभावशाली है। तो गवर्नमेंट के जो साइंटिस्ट है उनके अनुसार जो है वो 70% तक जो है वो प्रभावी है, जो अच्छी बात है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला व्यापक COVID-19 ट्रेनिंग अनुप्रयोग है, और वो है आपका आरोग्य सेतु। हालांकि सरकार की तरफ से एक और बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा, आपका सुरक्षा कवच, ठीक है। हालांकि अगर मैं आरोग्य सेतु की बात करूं तो ये कितना
सक्सेसफुल है नहीं है अभी तो ये पता नहीं है, और ये एग्जैक्ट डाटा नहीं देता है कि आप संक्रमित है कि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, यहां पर एक ऐसा फंक्शन है कि आपको ब्लूटूथ ऑन ऑन करना पड़ेगा जिससे आपके अगल बगल, लेकिन कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं ये भी तो मैटर करता है ना, क्योंकि सभी के पास नहीं होगा तो कैसे पता लगा पाएंगे कौन है कौन नहीं है। तो यहां पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का मतलब है कि सभी लोगों के पास होना चाहिए, प्लस उनका ब्लूटूथ जो है वो ऑन होना चाहिए, तब ये जाकर कुछ हद तक काम कर पाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तालाबंदी अवधि के दौरान यानी लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो और अन्य सार्वजनिक सेवा वाहन के ड्राइवरों के लिए कितने फंड घोषित किए, तो 5,000 प्रति महीने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी टेनिस के प्रतियोगिता, किसी टेनिस के टूर्नामेंट को जो है वो रद्द किया गया है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ऐसा हो रहा है, तो वो कौन सा है। 29 जून से स्टार्ट होने वाला था विंबलडन, इसको रद्द कर दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 4, 5, 6 अप्रैल के, 7 वाला और 8 वाला कल सुबह 4:30 आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत, और हाँ एक बात और बोल दूं, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं, और वहां से अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो 1 साल तक हर एक एग्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा 20-20, 25-25, ताकि आप एग्जाम से पहले जज कर पाओ कि आप कितना स्कोर कर पा रहे उस एग्जाम में। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी, ठीक है, चलिए।